अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो STS का पेपर हुआ उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक जनरल नॉलेज और दूसरा साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स का बोल दें कि है द कैपिटल ऑफ ईरान इज़, तो इसका नंबर बी ऑप्शन जो है तेहरान वो करेक्ट है। ईरान का तेहरान कैपिटल है। नंबर 62 क्वेश्चन जो है हमारे पास है द श्राइन ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद इज़ लोकेटेड एंड उसका श्राइन कहाँ पर है, तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो रानीपुर वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद नंबर 63 अरबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, इसमें से बताना है कि अरबिक जो है वो किस सिटी की या किस कंट्री की, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सेलेक्ट करना है कि किसकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी तुर्की वो करेक्ट है। नंबर 64 हु ऑथर्ड, किसकी लिखी हुई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये आंसर है नेल्सन मैंडेला, ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नंबर 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड सी, तो लैंड लॉक्ड सी जो है नंबर सी इसका भी करेक्ट है अरल सी। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ मोस्ट अल्फ़ाबेट, सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट किस लैंग्वेज के हैं, सिंधी के सबको पता है 52 हैं और इंग्लिश के 23, बलोची के 44, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 52 वाला सिंधी। नंबर 67 है तिब्बत इज़ एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ, ये तिब्बत जो है वो रीजन किसका है, चाइना का है, नंबर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 68 जो है ऑफिशियल करेंसी ऑफ येमेन, तो येमेन की करेंसी जो है वो है रियाल। 9 है प्लस 92 इज़ द कंट्री कोड ऑफ, ये कौन सी कंट्री का कोड है, तो ऑब्वियसली सबको पता होगा कि पाकिस्तान का कोड है। सो 70 टॉम्ब ऑफ बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर इज़ इन, कहाँ पे है उसका, तो काबुल में है, काबुल जो है अफ़गानिस्तान काबुल में है। देन नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ रोज़ ट्यूलिप जैस्मीन, तो जैस्मीन है, नंबर सी इज़ करेक्ट। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द OIC इलेक्टेड फॉर द पीरियड, इसका भी जो राइट ऑप्शन है नंबर सी है 5 ईयर्स। 73 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस GMT+5 एज द स्टैंडर्ड टाइम, तो ये भी पाकिस्तान का है, GMT+5 आवर्स जो है वो पाकिस्तान का है। इसके बाद 74 है द लैंड ऑफ कैंगरूज, द लैंड ऑफ कैंगरूज इस कौन सा लैंड है या कौन सा कंट्री है जिसमें कैंगरूज पाए जाते हैं, तो नंबर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑस्ट्रेलिया। नंबर 75 इज़ विच कंट्री वॉन ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, तो इंग्लैंड ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता था 2022 का, राइट ऑप्शन है बी इंग्लैंड। अब आते हैं एवरीडे साइंस क्वेश्चन नंबर 76 विच डिज़ीज़ इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशेंसी ऑफ विटामिन डी डेट कॉज इज़ बॉर्न टू बिकम सॉफ्ट एंड वी, कौन सी डिज़ीज़ है जो विटामिन डी की डेफिशेंसी से होती है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो वो कौन सी डिज़ीज़ है जो होती है, नंबर बी जो है उसका राइट ऑप्शन है रिकेट्स। इसके बाद 77 क्वेश्चन है फैट्स आर फाउंड इन फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब में फैट्स पाए जाते हैं ऑयल में बटर में और वेजिटेबल्स में नहीं पाए जाते, तो इसका राइट ऑप्शन है सी एनिमल डेट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर नोन एज, एनिमल जो बोथ खाते हैं प्लांट एंड एनिमल्स तो उसे ओमनीवोरस कहते हैं, नंबर सी राइट ऑप्शन है। अ सॉल्यूशन डेट कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो ये सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑप्शन ए की डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 80 द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट अप इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, तो ये जो है हमारी डेफिनेशन है एलिमेंट की, इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।